हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं घर में ही बनाई हूँ पाव ब्रेड। देखिए कितना बढ़िया बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। देखिए इतना बढ़िया बना है, बेकारी का जैसा बना है, बहुत ही यम्मी बनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैदा ली हूँ इस कप का 2 कप। अब चीनी डालूंगी 2 चम्मच, छोटे चम्मच का 2 चम्मच चीनी डालूंगी। और नमक डालूंगी थोड़ी। एक चम्मच देसी घी डालूंगी। अब इस डालूंगी 2 चम्मच। अब ये सारे चीज को अच्छे से मिला लूंगी, मैं मिक्स करूंगी। और एक अंडा डालूंगी अब मैं। और 1 कप दूध डाल के इसे मैं अच्छे से गून लूंगी। देखिए इसे मैंने गून लिया है, एक डो बना दिया है। देखिए और अब इसे मैं 30 मिनट अच्छे से ढक के रख दूंगी। देखिए 30 मिनट हो चुका है, कितना बढ़िया से फूला है। देखिए फूल के एकदम बढ़िया से फूल चुका है। अब इसे मैं और कुछ टाइम गूंथ लूंगी। अब एक थाली रेडी कर रही हूँ, इसमें मैं घी लगाऊंगी। थोड़ी घी चारों ओर फैला के लगा लूंगी इस थाली में।
अब इसमें सूखा आटा मैं फैला छिड़क रही हूँ। देखिए मैंने पेड़ा काट लिया है, 6 पेड़ा काट लिया है और इसमें अब मैं थोड़े थोड़े ड्राई कोकोनट अंदर में डाल के इसे बंद कर रही हूँ इसका मुंह। देखिए बढ़िया से इस तरीके से गोल गोल करके मैं हाथ से अच्छे से शेप दे रही हूँ। देखिए बढ़िया से पेड़ा शेप दिया है मैंने इसे और सारे पेड़े को मैं इसी तरीके से कोकोनट पाउडर डाल के इसी तरीके से भर के पेड़ा का शेप दे के देखिए मैंने सारा पेड़ा सेब दे दिया है। अब इसमें बीच बीच में मैं सूखी कोकोनट पाउडर लगा रही हूँ, सारे पेड़े में लगाऊंगी मैं इसी तरीके से कोकोनट। कोकोनट लगा लिया है, अब मैं इसमें सफ़ेद तिल थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी चारों ओर। देखिए इस तरीके से मैं सफ़ेद तिल लगा रही हूँ। देखिए अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी काली तिल भी छिड़क रही हूँ। देखिए सुंदर डेकोरेशन कर रही हूँ इसका। देखिए ये फूड कलर है रेड वाला, अब इसे मैं थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी रेड रेड करके। देखिए मैंने लगा लिया है रेड कलर भी। अब एक अंडा ली हूँ, अंडा को मैं फेंट लूंगी पहले। अच्छे से अंडे को मैं फेंट लूंगी। अब ये सारे पेड़े के ऊपर मैं अंडा इस तरीके से लगाऊंगी। देखिए मैंने सारे पेड़े में लगा लिया है अंडे, अब इसे मैं बनाऊंगी।
देखिए बनाने के लिए एक तवा बिठाई हूँ। तवा में मैंने नमक डाली हूँ। ये नमक पहले भी मैंने केक बनाने में यूज़ किया था, उसी में अब उस नमक के ऊपर तवा में मैं इस थाली को रख के एक गमले से ढक दूँगी। कम से कम इससे मैं 40 या 45 मिनट्स ढक के बनाऊँगी। चलिए अब 20 मिनट्स हुआ है, एक बार चेक करते हैं। देखिए कितना बढ़िया से फूल चुका है। देखते हैं अभी ये बना नहीं है और इसे और चाहिए 20 मिनट्स, तो ढक के पकाऊंगी। देखिए अभी 45 मिनट्स हो चुका है, चेक करते हैं। देखिए अभी ये अच्छे से बन चुका है। देखिए कितना बढ़िया से बना है। अब इसे मैं आपको ठंडे होने के बाद दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने निकाल लिया है चूल्हे से। देखिए कितना बढ़िया से बना है, नीचे में भी इतना बढ़िया बना है। देखिए कितना अच्छा लगा और इतना फूल चुका है और बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में। देखिए इतना बढ़िया बना है ये। देखिए कितना बढ़िया कलर हुआ है। देखिए पीछे तरफ में भी कितना बढ़िया कलर हुआ है और बहुत ही स्पंजी बना है। देखिए एक काट के दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। देखिए कितना बढ़िया सा बना है। देखिए अंदर तक कितना बढ़िया से पका है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया बना है ये। देखिए कैसा लगा आप लोग को ये मेरा पाव का रेसिपी? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बाय बाय, टेक केयर।